सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं गौरव जोन, एक प्राणी के बारे में जिसकी गांड में और गुर्दों में दोनों में ही कीड़ा है। सही पकड़े हैं। हर व्लॉग इनका स्क्रिप्टेड होता है, कभी कभी ये अपने कुत्ते को बलून लगा के उड़ा देते हैं। तो इनके बेसिकली व्लॉग नहीं होते, चूतिया पंती होती है क्योंकि इनकी गांड में कीड़ा है। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लगता फटफटा गया तो डर काएगा यार, मर्दों का आता है। ओ मर्द का हाथ है तो कुछ नहीं होगा। अनार से भाई, यही अनार अब एक बार जरा अपनी गांड में लगाना, फिर यही बात बोलना मर्द की गांड है, कुछ नहीं होगा, है ना। बाप रे बाप, पूरा धुआ धुआ हो गया इधर, पता नहीं कहाँ से। बोलो तो बाहर आ जाना। आ रहा हूँ। अब देखो, इन्होंने ये हरकत कर दी। अब गाड़ी में धुआं उड़ गया तो भी उसमें चूतिया बनती है। धुआं कहाँ से आ रहा है? अबे अंधे, गाड़ी के अंदर से आ रहा है। अगर तू उसके ऊपर लगा के अनार जलाएगा तो गाड़ी ही जलेगी ना, गाड़ी के अंदर से ही धुआं आएगा। तेरी गाड़ी में से तो धुआं नहीं आएगा। नहीं। आज मैंने एक लड़के को चॉकलेट दी तो वो कहती मैं थोड़ी अलग हूँ, तो मैंने जेब से बीड़ी निकाली और उसको दे दी। भाई गाली दे के चली गई यार, ये तो टट्टी है। गौरव जोन शुक्र मनाओ। हाँ भाई, इसकी शक्ल देख लो, ये गौरव जोन ही है। गौरव जोन शुक्र मनाओ कि वो सिर्फ गाली देके गई। अगर थोड़ी दिमागदार होती ना तो उसी बीड़ी को तुम्हारी गांड में डाल के ना सुलगा के चली जाती। तब फिर रोते रहते। तो अभी तो फिलहाल गाली ही देके गई है, वैसे करना तो उसे यही चाहिए था। सही पकड़े हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं गौरव जोन जेल क्यों गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, निधि वन राज एक बहुत ही फेमस जगह है, मंदिर है, हम मान्यता है वहाँ की। तो वहाँ पे सख्त मना है, 6 बजे के बाद वहाँ एंट्री करना, मतलब अंदर जाना मना है, और वहाँ पे फोटोज क्लिक करना, वहाँ की वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बोला था कि गौरव जोन की गांड में है कीड़ा, तो उसको रात को आया कि उसके कीड़े ने उछला, तो भाई उसने प्लान बनाया अपने 4-5 छिछोरे चूतियाँ दोस्तों के साथ कि वो वहाँ जाएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे, मतलब उसको एक्सपोज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ होता क्या है क्या नहीं। पहली बात तो भाई, ये इतना चूतिया इंसान है। वहाँ की मान्यता है वहाँ पे 7 बजे के बाद जाना, 6-7 बजे के बाद जाना बैन है, पर इसकी गांड में तो इसको तो अपनी गांड दौड़ानी है। तो भाई इन्होंने प्लान बनाया और ये गए। आवाज आ रही है भाई, आ तो रही है, आ रही है भाई, आ रही है भाई आवाज। गाइस आपको भी आ रही होगी, थोड़ी आवाज आ रही है, कुछ भी। सो गाइज, इन्हें पहले ही आवाज आ रही है। इतनी चूतियापंथी वाली बात कर रहे हैं, इन्हें पहले, अभी तक ये घुसे भी नहीं है, गेट के द्वार पे ही है, मतलब द्वार पे ही है, वहां से छलांग मार रहे हैं, टाप के जा रहे हैं। इतना बड़ा, मतलब अच्छा खासा इसका चैनल चलता है, इतने सब्सक्राइबर है, लेकिन ये लोगों को हमेशा ही अंट संट चीजें दिखाता है। आइए तुम, आइए आराम से आइए, कोई सेंस है इस बात की। तो भाई ये मंदिर के अभी तक गेट पे ही खड़े हैं और इन लोग वहीं से वो बोल रहा आवाज आ रही है। भाई एक नंबर का चूतिया, दुनिया को भी चूतिया समझता है, ठीक है। अब 2 दोस्त हैं, वो डर गए बेचारे, उन्होंने बोला हम अंदर नहीं जाएंगे, बाकी अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। और इन्हें अभी से आवाज आनी चालू हो गई, इतना चूतिया तो दुनिया का मत बनाओ। और इसने अपनी वीडियो के पीछे ऐसा गाना लगा रखा, मतलब ऐसे साउंड लगा रखा जैसे ना कोई भूत का सीरियल चल रहा है कि भूत की जगह एक्सप्लोर करने जा रहा है। भाई वो मंदिर है, ठीक है, मंदिर में भूत वाला साउंड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। इतनी चूतियापंथी तो हमें भी मत दिखाओ। हाँ चूतिया है, क्या करे, इसकी गांड में गंदा। मैं जा ही नहीं सकता इसमें, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। मैं तो अब गाड़ी, चल तू गाड़ी में बैठ, हम मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ठीक है तुम अंदर। हाँ, तूने इसके बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, लेकिन फिर भी तेरी गांड में गुर्दा है कि तू यहाँ आके खड़ा हो गया इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए, इन सबको सपोर्ट कर रहा है। चूतिए, अगर तेरे को इतना यहाँ सबके इस जगह के बारे में इतना कुछ पता था यहाँ के बारे में, तो तुझे पहले इन लोगों को समझाना चाहिए था ना, या तुझे आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, बहती गंगा में तो हम भी हाथ धोएंगे, है ना। चल सकते हो तो मैं चल सकता हूँ अंदर, यहाँ बहुत ही डरावनी जगह है यार, ऐसे रातों में देखो आना जान के नहीं, खतरा भी हो सकता है यार। देखो देखते हैं, चल के आइए आप, चलते हैं। तुम चलते हो तो मैं चलता हूँ, नहीं वैसे तो मैं जाऊँगा नहीं, अपनी ऐसा कोई अपनी मौत नहीं दे सकता भैया। अच्छा, बहुत ही खतरा है यहाँ पे और ये डरावनी जगह है। देख लो दोस्तों, मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, ये बहुत ही डरावनी जगह है। मतलब मंदिर एक सेफेस्ट प्लेस होता है, लोगों को लगता है सेफेस्ट प्लेस, लोगों को वहाँ शांति मिलती है, लोगों की कितनी श्रद्धा भक्ति से जाके वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, और इनको ये प्लेस डरावना लग रहा है। अच्छा, और क्या बोला इसने, मैं अपनी मौत नहीं दे के आऊँगा। बेटा मौत तो नहीं लेंगे तुम, मौत तो नहीं दोगे तुम, अब तुम्हारी पता है कौन लेगा, तुम्हें मौत देने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले लेंगे तुम्हारी अच्छे से। अभी इनको इसी चक्कर में, इन्होंने जो ये हरकत की है, इस चक्कर में ही इनको जेल हो गई है, मतलब पुलिस लेके गई है थाने में, अरेस्ट करा हुआ है इनको। जिनका कोई भी भाव नहीं दे रहा। वैसे ना गौरव जोन की बहुत गांड में कीड़ा था। अब ये हरकतें जो इसने की है, इसके बाद अब पुलिस इसकी अच्छे से लेगी। गौरव जोन एक बात बोलूँ, अपनी ना अच्छे से जो गांड है ना उसको धो के रेडी करके रखना, पुलिस वाले उसको अच्छे से मारेंगे। अभी रेडी करके रखना, मैं बता रही हूँ। मंदिर के पूरे अंदर तक जा चुके हैं, पूरा घूम रहे हैं, बदतमीजों की तरह, चूतियों की तरह घूमे जा रहे हैं मंदिरों में। यहाँ तक कि अंदर ताका झाकी भी की है इन्होंने। इतनी स्टूपिडिटी हरकत, मतलब समझ नहीं आ रहा, इतनी बच्चों वाली हरकतें क्यों। हाँ, इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। मतलब एक नाली के कीड़े में और गौरव जोन में कोई फर्क नहीं है। सही बोल, दिमाग तो इनमें है नहीं। अबे क्यों फाड़ रहे हो मेरी यार, पायलों की आवाज आ रही है पीछे। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या भाई। ये सब करने के बाद ना ये अच्छे से एक्सप्लोर किया है इसने मंदिर के अंदर, जो भी है सब कुछ उस चीज को दिखा रहा है। फिर चूतियों की तरह ये लोग भागे हैं, बोल रहे हैं, पायलों की आवाज आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा वहाँ, मतलब कुछ भी बोल रहा है क्या। पुरानी पिक्चर चल रही है और लोग भी तेरे को देख रहे हैं। पुरानी पिक्चर चल रही है कि पायलों की आवाज आ रही है, ये है वो है। मंदिर है वो, भगवान का वास है वहाँ पे, और ये भोग क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। और लोग इसे देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं। ये सब करने के बाद भी इसको चैन नहीं मिला। इसने एंड में पता है क्या बोला है, वो सब शूट करके मैं आ गया घर, और जहाँ तक मैंने नोटिस करा कि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ बस अफवाहें। चुप, बिल्कुल चुप। इसने एंड में क्या बोला है, मतलब इसको तो कुछ मिला नहीं, वहाँ पे फेक है ये सब, वो सब कह रहा है फेक है, सिर्फ अफवाह है। अफवाह है, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में इसको पायलों की आवाज आ रही है, इसको छन छन सुनाई दे रहा है, अंदर घुस रहा है, मौत दे रहे हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। मतलब सीरियसली भाई, मैं तुम्हारे लिए एक ही बात बोलना चाहूंगी, लोगों के सामने मत आना, जूते चप्पल बहुत खाओगे। इट्स बेटर कि आप ना अभी जेल में रहो, बाहर मत आना, वरना बहुत मारेंगे लोग। ये सब करने के बाद पुलिस ने इसको धर लिया, और जो कि धरना बनता भी था। गौरव जोन की ना आदत हो गई है आए दिन जेल में आने जाने की। मुझे तो ऐसा लगता है गौरव जोन ना खुद ही पुलिस वालों को बोलता है कि मैं ना रेडी होके अपनी गांड धो के आता हूँ, अच्छे से तैयार करके आता हूँ, सुखा के आता हूँ, फिर तुम ना आके अपने डंडों से ना मेरी गांड मार लेना। और पुलिस भी रही, हाँ भाई तू आ जा, कर तू चूतिया बनती, हम तेरी गांड में डंडा डालेंगे। तो इसको आदत हो गई है अपनी गांड मरवाने की। मैं तो चाहती हूँ पुलिस वाले इसको अच्छे से मारे। और गौरव जोन ना जेल, आप ना गौरव जोन वहीं रहो, क्योंकि गौरव जोन की जो ब्लॉगिंग होती है ना भाई, मैं आज यहाँ आया हूँ, ओह माय गॉड ये देखो मैंने कार देखी, ओह माय गॉड ये देखो मेरी वॉल, ओ देख रहे हो भाई वॉल, देख रहे हो भाई बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगी है। भले सस्ती हो, 150 रुपए की चीज हो, बट बहुत महंगी भाई। भाई ये देखो मैं थॉर खरीद के लाया हूँ, थार खरीद कर जो भी है भाई, ये देखो मैं लैम्बोर्गिनी लाया हूँ। पर वो बात अलग है, दोस्त से मांग के भीख, भाई मेरी लैम्बोर्गिनी आई है। इस टाइप की व्लॉगिंग ही करते हैं, क्योंकि इनकी गांड में जो है अब समझ जाओ। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और गौरव जोन एक नंबर की चूतियां हैं, ये बात तो एक्सेप्ट हम कर चुके हैं। बाकी जो इन्होंने किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज अगर लोगों की वहां से श्रद्धा भक्ति जुड़ी हुई है, लोग आस्था रखते हैं किसी चीज में, तो उनकी आस्था पे सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। मंदिरों को डिसरिस्पेक्ट ना करें। सो बाय बाय, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो यार। बाय बाय।